इतना हसीन, इतना खूबसूरत घर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ओहो, सुंबुल तो बनी बनाई हुई सोने की चिड़िया है। अरे मतलब क्या है तुम्हारा, खुल के बताओ ना। मतलब ये कि अम्मा अगर हमारा साथ उसे शीशे में उतार ले तो हमारी किस्मत बन जाएगी, दिन बदल जाएंगे। मैं बता रही हूँ। क्यों साथ? अगर सोने की चिड़िया है इसका मतलब ये तो नहीं कि अंधी कानी है। अम्मा उसे ये पिंजरा दिखाई नहीं देगा क्या? तुम बिना बेवकूफ हो। अब देखो, मोहब्बत में लोग अंधे क्या, गूंगे बहरे भी हो जाते हैं। और एक बात तुम समझ लो कि ये 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी से जान छुड़ानी है तो भाई अपने आप को ग्रूम करो और कहीं ऊंची जगह हाथ मारो। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, खुल के बताओ क्या कहना चाह रही हो। अम्मा देखो, बहुत आसान सी बात है। सुबुल का जो भाई है ना, वो रहता है बाहर किसी मुल्क में, और जो उसकी बहन है उसका भी रिश्ता हो रहा है। अब्बा है नहीं, अम्मा बूढ़ी है, पीछे बची है एक सुंबुल, अम्मा तिजोरी है, और इतनी मासूम, इतनी सीधी सादी कि खुद शीशे में उतरने को तैयार बैठी हुई है। बस हमारा साथ उसे फंसा ले। और अम्मा अगर ये वाला रिश्ता हो गया ना, ये जो तुम हाथ जलाती हुई बहू लाई हो ना, इसका भी मदावा हो जाएगा। अम्मी ये शादी है या अजाब, मुझसे अब और इन लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती, मेरी हिम्मत खत्म होती जा रही है। अम्मी रामीन बेटा क्या कह रही हो, अब ऐसा क्या हो गया? आपका क्या मतलब अम्मी, ऐसा कौन सा दिन है जब कुछ ना हुआ हो? हर वक्त ताने तंज हिकारत, जैसे इनके सामने मैं इंसान ही नहीं हूं। रामीन बेटा, बेटा फराज तो तुम्हें प्यार करता है ना, वो तो तुम्हारे साथ अच्छा है ना। क्या करूं अम्मी ऐसी मोहब्बत का जो मनाने में ही खत्म हो जाती है। मजाल है कि मेरी हिमायत में एक भी लफ्ज बोला, बल्कि उल्टा घर वालों के साथ मिलके मुझे ही जलील करते हैं। देखो बेटा अब रो तो नहीं, मैं कुछ ही दिनों में आऊंगी और फराज को खुद समझाऊंगी। क्या समझाएंगी अम्मी, अब्बू तो चले गए, मुझे इस अजाब में छोड़ गए। मुश्किल है जी।